हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नैनीताल में सात घूमने की जगह बारे में। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। नंबर 7, जोलीकोट। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में समुद्र तल से 1219 मीटर की ऊंचाई पे स्थित जोलीकोट एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। कुमाऊनी पहाड़ियों पे स्थित इस स्थान को नैनी झील का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ आपको नाशपाती, आड़ू, आलू, बुखारा जैसे तरोताजा फलों के पौधे प्राकृतिक के प्रति आपको आकर्षित करेंगे। आप रंग बिरंगी तितलियों के बीच तस्वीर खींचकर अपने टूर का लुत्फ उठा सकते हैं और इसे यादगार बना सकते हैं। पर्यटक यहाँ गांवों के उत्सवों का आनंद लेने आते रहते हैं। कुमाऊं की झील, रानीखेत, बिनसार, कसोनी और कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ से कुछ दूर पर स्थित है। नंबर 6, पनगोट। नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 6300 फीट की ऊंचाई पे स्थित पनगोट एक छोटा सा खूबसूरत गाँव है। पनगोट अपने पक्षियों और जंगलों के लिए पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। इस गांव में एक चिड़ियाघर भी है जिसके आसपास पक्षियों के लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढके पर्वत शिखर को देखने दुनिया भर के पर्यटक यहां आते रहते हैं। यहां पे आप वाइकिंग, ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। नंबर 5, नैना पीक। समुद्र तल से 2615 मीटर ऊंचाई पे स्थित नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं। पहाड़ों पे हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ यह स्थान वर्ष भर बर्फ की चादर से ढका रहता है। फोटोग्राफर और ट्रैकिंग में रुचि रखने वाले सैलानियों के बीच यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रभावशाली और अद्भुत दृश्य देखने पूरे वर्ष पर्यटक भारी संख्या में आते रहते हैं। नंबर 4, दमाल रोड। मलीताल और तलीताल के बीच नैनी झील के किनारे यह सड़क बनी हुई है। यहाँ आपको पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजन के साथ संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलेगा। खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए यह एक अच्छा स्थान है। आपको यहाँ गर्म कपड़ों की अच्छी क्वालिटी काफी सस्ते दामों में मिल जाएगी। नैनीताल झील के पास में होने के कारण आपको इस रोड पर ठंडी और मनमोहक हवाएं थकान का अनुभव होने नहीं देगी। अभी हाल में ही माल रोड का नाम बदलकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत मार्ग कर दिया गया है। शाम के समय टहलने के लिए किसी भी प्रकार की गाड़ियों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे पर्यटक आसानी से यहाँ घूम सके। नंबर 3, टिफिन टॉप। नैनीताल और पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षण टिफिन टॉप से आपको पूरे नैनीताल का खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ेगा। यह स्थान चारों तरफ से देवदार और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी वजह से प्राकृतिक प्रेमियों, एडवेंचर और फोटोग्राफरों के लिए यह जगह आनंदमय और रोमांचक पैदा करती है। यहाँ का खुशनुमा और शांत वातावरण आपको एक सुखद और यादगार पल प्रदान करेगा। यहाँ कैंपिंग और माउंटेनिंग जैसे गतिविधियां भी कर सकते हैं। समुद्र तल से 7520 फीट ऊंचाई पर स्थित इस स्थान से हिमालय पर्वतमाला के अद्भुत दृश्य को भी देख सकते हैं। नंबर 2, जीबी पंत। चिड़ियाघर तल्लीताल क्षेत्र में शेर का डंडा पर्वत पर बना उत्तराखंड का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। समुद्र तल से 2100 मीटर ऊंचाई पर 1984 में बने इस चिड़ियाघर को सबसे ऊंचा चिड़ियाघर भी कहते हैं। करीबन 11 एकड़ में फैला इस चिड़ियाघर का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की याद में रखा गया है। यहाँ पर आप कई प्रकार के जंगली जानवर देख सकते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, तिब्बती भेड़िया, हिमालयन भालू, वॉकिंग हिरण, तेंदुआ, तितली और रेड पांडा। नंबर 1, नैनी लेक। झीलों का शहर कहे जाने वाले नैनीताल में 50 से भी अधिक झीले हैं, परंतु इन सभी झीलों में से सबसे सुंदर झील नैनी झील है। यहाँ इस झील की सुंदरता और यह मनोरम वातावरण में छुट्टियां बिताने देश विदेश से पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। यहाँ के सुहावने मौसम से हरे भरे पहाड़ों से घिरी इस झील में नौका विहार का लुत्फ भी उठा सकते हैं। 64 शक्तिपीठों में से एक इस झील के बाद में मान्यता है कि जब भगवान शंकर जी माता सती को लेकर कैलाश जा रहे थे, तो माता सती का एक नयन आग यहाँ गिर गया, उससे इस झील का निर्माण हुआ। आग से इस झील का निर्माण होने के कारण इसका नाम नैनी झील पड़ा और पहाड़ की चोटियों से देखने पर यह झील आग के आकार की ही दिखती है। तो ये थे नैनीताल में घूमने के साथ सबसे अच्छी जगह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।